भाई सबसे पहले ना सबको हैप्पी होली गाइस, मेरी तरफ से आपको आपके परिवार को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। और ये बदला ऐसा है ना कि एक साल पहले ये चीज मेरे साथ हुई थी। भाई सिब्बू आई बेड पे, मैं सो रहा था, ग्लास में पानी भर के पूरा मेरे मुंह पे पानी डाल दिया और मेरे कान में सब कुछ चला गया था। हैप्पी होली। 10 सेकंड तक काउंट करूंगा, ठीक है? सही जवाब देना है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अंदर व्लॉग। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हो और तुम्हारा भाई भी बहुत बढ़िया। और गाइस धूप एकदम ऐसे चेहरे पे हो रखी है, इस साइड अगर फोन घुमाया तो भाई व्लॉग बना ही नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं ऐसे घूम गया। तो गाइस पता है आज क्या व्लॉग होने वाला है? आज बहुत ना बढ़िया व्लॉग होने वाला है। आप कह लो कि भाई मैं ना अपने एक साल पुराना बदला आज लेने जा रहा हूँ। और ये बदला ऐसा है ना कि एक साल पहले ये चीज मेरे साथ हुई थी, मतलब ऐसी थी ना गाइस, गुस्सा एकदम सर पे चढ़ा हुआ था बट नहीं कर पाया था। क्यों यार दोस्तों, में गुस्सा होता है क्या? नहीं होता गाइस, मौज मस्ती चलती रहती है बट नो गुस्सा। तो गाइस आज मैं क्या करने वाला हूँ, भाई सबसे पहले ना सबको हैप्पी होली गाइस, मेरी तरफ से आपको आपके परिवार को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं, हैप्पी होली वंस अगेन। तो गाइस अपन आज क्या करेंगे, भाई सिब्बू ना भी नीचे है, आप देख रहे हो टेरिस पे आया और यही से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि नीचे करता तो सारी बातें सुन लेती। अभी भी भाई धीरे धीरे बोल रहा हूँ, तेज नहीं बोल रहा, कहीं भाई सीढ़ियों से आवाज जा रही हो। पता है क्या होने वाला है गाइस, व्लॉग ये होने वाला है लास्ट। अगर आपको पता नहीं पता ये बात या नहीं पता, मैं कोशिश करूंगा वो चीज इस व्लॉग में मेंशन कर पाऊँ। और हाँ, उसका व्लॉग भी बनाया था शायद सिब्बू ने, या सिब्बू ने बनाया था आई थिंक। हाँ सिब्बू ने व्लॉग बनाया था गाइस। लास्ट ईयर ना रचित के घर पे हम लोगों को होली सेलिब्रेट करने के लिए जाना था, और भाई एक्चुअली क्या था, मैं बहुत थका हुआ था, 2 दिन शूट वूट करके सो रहा था। अब सिब्बू वगैरह ये सब रेडी हो गए जाने के लिए, रचित ऑलरेडी घर पे पहुंचा हुआ था। अभी मेरे को उठा रहे हैं, मैं उठ नहीं रहा क्योंकि गाइस बहुत थका था ना, इस करके नींद बहुत तेज आ रखी थी, सो रहा था। भाई रचित ने बोला सिब्बू को, तू जैसे भी करके उठा उसको उठा। सिब्बू ने क्या करा गाइस, मैं इतनी गहरी नींद में, आप समझ सकते हो 2-3 दिन बंदा थका हुआ हो और सो रहा हो तो उसकी मतलब समझ रहे हो ना नींद कितनी गहरी होगी। भाई सिब्बू आई बेड पे, मैं सो रहा था, ग्लास में पानी भर के पूरा मेरे मुंह पे पानी डाल दिया और मेरे कान में सब कुछ चला गया था। गैस बढ़िया, मैंने आरओ का पानी भरा है और ये पानी जाएगा मीना के मुंह पे। चल चल चल, उठ नहीं रहा वो, चल। हैप्पी होली। गाइस इतना गंदा मतलब गुस्सा आया था ना मेरे को, मैं ऐसे उठा था, मतलब वो एकदम शॉकिंग रिएक्शन था। तो गाइस लिटरली बता रहा हूँ, मैं ऐसा किलसा था ना, बट मैंने कुछ कहा नहीं, क्या भी कह सकते हैं यार, आपस में हम लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं, कुछ नहीं कह सकते। तो आज मैं सोच रहा हूँ गाइस, आज होली है, छोटी होली, और इस मौके पे क्यों ना सिब्बू के साथ होली प्रैंक किया जाए। तो गाइस इट्स अ होली प्रैंक। तो चलो गाइस चलते हैं नीचे। सिब्बू ने तो ग्लास लिया था ना, मैं बॉटल लूंगा, देखना बॉटल लेके भाई क्या करूंगा। सिब्बू तो अभी मैंने देखा रूम में ही है, चाय वाय पी रही है, पानी से पूरा भिगोने वाला हूँ। तो गेट रेडी फॉर दिस प्रैंक। और आप लोग बोलते रहते हो प्रैंक करो प्रैंक करो, तो इस होली के शुभ अवसर पर तो प्रैंक हो ही जाए। तो चलो गाइस फिलहाल नीचे चलते हैं। और देखो भाई सूरज कितनी तेज पड़ रहा है, बिल्कुल वाओ। हमारे घर का बाहर का व्यू बहुत मस्त है गाइस, बट ये सूरज देख रहे हो वाओ। अभी गाइस जब ये सनसेट होगा ना, बहुत प्यारा लगता है यहाँ से देखने में। सिब्बू एक मिनट आना, मैं कह रहा था 2 क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? सही जवाब देने हैं, बड़ा आईज क्लोज करके देने हैं। ये कुछ नया लाया हूँ आज मैं, वही लेटी थी रात से, बता देता, मुंह भी नहीं धोया, मुंह पे के पास मतलब। अरे ठीक है ना, अरे नहीं अच्छा लग रहा है, 0.5 है, आसमान अच्छा रहा है, आईज क्लोज। अगर ठीक है आईज नहीं खोलनी और 10 सेकंड तक काउंट करूंगा, ठीक है? सही जवाब देना है। सिब्बू इसका रीजन बताऊंगा मैंने क्यों डाला है, बताऊंगा। एक साल पहले जो मैंने तेरे ऊपर पानी डाला था उसका बदला लिया पूरी मैया, एक साल पहले। तो गाइस मजा आ गया, सिब्बू लास्ट ईयर याद हो होली पे मैं सो रहा था गहरी नींद में, मेरे मुंह पे किसने डाला था ग्लास भर के पानी और मेरे कान में भी। बेटा ठीक है, घर तू जाके दिखा, अभी भूत बनाऊंगी तेरा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बट मैंने, मेरे को तो नहाना ही था, कोई फर्क नहीं पड़ा, बट ठंडा लग रहा है, पर तेरा भूत बनाऊंगी मैं। भाई तुमने बेड पे भिगाया था मेरे को, मैंने बेड नहीं भिगाया तुम्हारा, इसके लिए थैंक यू बोलो, मैं क्या बालकनी में करेंगे। कोई बात नहीं बेटा, तू घर जाके दिखा। तो गाइस सिब्बू गिरी को कर दिया गीला, इतने प्यार से, इतने इतने प्यार से खड़ी हुई थी आईज क्लोज करके, और बहुत तेज चिल्लाई है। कोई नहीं सिब्बू गिरी, थैंक यू, वाह 13 प्रो मैक्स है, यस ये वन टीवी, कलर नहीं बताया, गोल्डन
गाइस भाग भाग के नीचे आओ भाई, क्योंकि सिब्बू ना रंग घोल रही है बाथरूम में। भाई मैं आ गया और मैं जा रहा हूँ, बाकी बातें गाड़ी में बैठ के करते हैं। और भाई पार्किंग आज बिल्कुल साफ हो गई है, बहुत टाइम बाद भैया ने कर दी। वाह भैया मेरी सही चमक गई। तो चलो गाइस अभी निकलते हैं यहाँ से, इससे पहले मेरे को लाल पीला कर दे। है क्या कह रहे हो? थोड़ा देर रुको, उस साइड पानी वाला है गाड़ी के आपके। अच्छा मैं गाड़ी हटा लेता हूँ, कोई नहीं मैं निकली गाड़ी में, मैंने अपना शर्ट धो दिया गाड़ी में। अच्छा गाड़ी धो दी? हाँ। अच्छा नहीं कोई दिक्कत नहीं है भैया, मैं जा रहा हूँ सिब्बू रंग लेकर ना आ जाए इसलिए। अरे वो आ जाएगी, वो कह रही है बदला लूंगी मैं, मैंने पानी गिरा दिया ना सिब्बू पे। अच्छा। हाँ इसलिए। चलो हैप्पी होली बाय। अच्छा तो गाइस ये अपनी संतरा, भैया ने पानी मार दिया इस पे। चलो भाई लैपटॉप रखते हैं जल्दी जल्दी। हाँ पता नहीं उसका सिब्बू को आ जाएगी वो खड़ी सिब्बू बाय। मैं नहीं आ रहा ऊपर, नहीं मैं तो जा रहा हूँ बस बाय। तो गाइस निकल गया हूँ भाई मैं जल्दी जल्दी। भाई सिब्बू आ रही थी और एकदम देखा बालकनी में खड़ी थी वो, तो भैया गाड़ी पे पानी मार रहे थे जबकि मेरी गाड़ी तो साफ थी यार। तो भाई निकल गया हूँ मैं, फाइनली बच गया गाइस, बट कब तक बचूंगा, गुड़गांव तो वापस आऊंगा। तो भाई आके तो बदला लेगी सिब्बू, सिब्बू ने बोला है मैंने तो पानी डाला था यार। गाइस देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने अगर बदला लिया एक साल पुराना, उस सिब्बू ने पानी डाला तो मैंने ही पानी डाला है, मैंने ये नहीं कि भाई कलर से रंग दिया हो। कितना अच्छा हूँ मैं सिब्बू यार, मेरे साथ प्लीज कुछ मत करना। भाई सिब्बू कह रही है कि स्पेशली मैं क्या करूंगी, जिस दिन तू तैयार होगा ना बिल्कुल बन ठन के नए कपड़े अपने डाल के, उस दिन तुझे रंगूंगी, चाहे बेशक मेरे को तेरे को नए कपड़े दिलाने पड़े। तो गाइस अब जाके फाइनली मैं निकला हूँ भाई, हालांकि मुझे घर जाना ही था बट मैंने सोचा घर जाने से पहले क्यों ना ये कांड किया जाए घर में, क्यों ना सिब्बू से बदला लिया जाए। और भाई हैप्पी होली देखो मैंने बनाई ली यार, देखो पानी डाला बेशक रंग नहीं डाला बट अच्छा था, मुझे अच्छा लगा, मैंने भाई सिब्बू को ज्यादा कलर वलर नहीं लगाया, सिर्फ पानी से बदला ले लिया। तो चलो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, प्लीज कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा आपको ये प्रैंक, और सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली और शुभकामनाएं बहुत सारी होली की आपको और आपके परिवार को। तो लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। ओके तो अभी जिस रोड पे निकला हूँ बस एक चीज दिखाता हूँ आपको, एक झलक दिखा देता हूँ, थोड़ा सा दिखा देता हूँ, दिल से जुड़ी चीज दिखाना बनता है। गाइस दो सेकंड रुको बस, दो सेकंड। तो देखो गाइस महिंद्रा का शोरूम, और गाइस ये खड़ी थार थार थार, बस ये दिखाना था आपको। तो भाई अभी भी देख लो शोरूम के बाहर खड़ा हूँ, पिछले तीन चार दिन में तीन बार तो जा ही चुका हूँ, बस शोरूम के बाहर खड़े होकर चला जाता हूँ। बट बहुत जल्द मैं शोना के साथ जाने वाला हूँ गाइस महिंद्रा शोरूम थार देखने के लिए, क्योंकि उसको मैंने आपको बताया ना टेस्ट ड्राइव वगैरह दिलवानी है, बिठाना है गाड़ी में, तो अब जाऊंगा बस बहुत जल्द, बस अब होली वगैरह एक बार सेलिब्रेट कर ले निकल जाए, फिर अपन देखेंगे थार। भाई ये खड़ी थार ही थार, कितनी सारी थार। चलो गाइस कमेंट जरूर करना कैसा लगा आपको ये, ठीक है प्लीज प्लीज बाय। Forget it if I want it, gotta make to myself a promise, I won't quit, keep going till I got it, I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up, if I do something man I do.